हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लानिंग एंड इट्स फीचर्स। नाउ हाउ प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, वेदर इट इज अ सोशल सर्विस बिजनेस, एनजीओ, एनपीओ, स्मॉल और बिग, रूरल और अर्बन, it does not get its success by a chance, but a concrete plan need to be made for achieving its objectives. उसको अपने objectives को achieve करने के लिए एक strong plans बनाने होते हैं। कोई भी organization by a chance अपनी success को achieve नहीं करती, उसके पीछे एक strong और हम कह सकते हैं कि एक dedicated teamwork होता है जो involve होता है planning में। प्लानिंग हमेशा कहा जाता है कि ए बिजनेस विच इज फेल्स टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। जो बिजनेस प्लान करने में फेल हो गया, इसका मतलब किसकी प्लानिंग कर रहा है? फेल होने की प्लानिंग कर रहा है। तो फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, इसीलिए कहा जाता है। तो प्लानिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड डायरेक्शन, बिकॉज हमने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था कि इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कोई गोल है, टारगेट है, तो हम प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, और अगर हमारे पास कोई टारगेट या ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंड वी आर प्लानिंग पर हमें पता नहीं कि हम किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इट विल बी अ वेस्टफुल एक्टिविटी फॉर एनी बिजनेस। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, बिकॉज हमारे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कफोर्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर वेल नोन इन एडवांस दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू डू एंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम टू डू। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है और वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखती है कि हम क्या करें, ये सारी बातें अगर हमने प्लानिंग की है तो हमारी वर्कफोर्स को एडवांस में ही पता होगी। तो क्या होगा वहाँ पे? क्लैरिटी इन एक्शन एंड थॉट्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबको पता है कि मुझे क्या काम करना है, तो कोई कन्फ्यूजन या फिर हम कह सकते हैं कि एम्बिजिटी नहीं रहेगी हमारी वर्कफोर्स में। क्लैरिटी इन एक्शन एंड थॉट्स रहेगा तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो जाता है सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे डिवीजन्स में आपस में, क्योंकि सबको पता है कि उन्हें क्या काम करना है। ठीक है बच्चे, जैसे सपोज करो इफ यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज सम फैमिली फंक्शन, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर दी जाती है कि भाई हमें ये काम करना है और यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर ख़त्म होगा। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगा जाती हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो वहाँ पर क्या हुआ? क्लैरिटी इन एक्शन एंड थॉट, मुझे पता है मेरे को क्या काम करना है, मुझे ये भी पता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि हमें पता है हमारा एम क्या है और कौन सी डायरेक्शन है जो हमारे उस एम तक हमें लेके जाएगी। और अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है कोई जहां हमें पता ही नहीं है हमारा गोल क्या है, तो वहां पर हमारे जो एफर्ट्स होंगे या जो हमारे एक्शंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, क्योंकि क्लैरिटी इन एक्शन तो है नहीं, कुछ क्लियर ही नहीं है कि क्या करना है। तो सबके एक्शंस क्या होंगे बेटा? डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, ये जो तीन सेंटेंस हैं ये एसेंस ऑफ प्लानिंग कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है बच्चे? याद रखना, एसेंस ऑफ प्लानिंग क्या होता है? एसेंस ऑफ प्लानिंग थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। जैसे हमने पढ़ा था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे ही प्लानिंग का क्या एसेंस है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर और प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो अगर हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर इज अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल। जो भी फ्यूचर में हमारी सिचुएशन अराइज होने वाली है वो कैसी है? अनप्रिडिक्टेबल है, अनअवॉइडेबल है, या उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
लेकिन फिर भी जो हमारा एक इंटेलिजेंट मैनेजर होता है, ही में इंस्पेक्ट और एंटिसिपेट द चेंजेस विच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस को हमारा जो मैनेजर है वो पहले ही क्या कर लेता है बेटा, एंटिसिपेट, यानी कि उनका अनुमान लगा लेता है। तो जो हमारे फ्यूचर हैपनिंग्स हैं, ठीक है, फ्यूचर हैपनिंग्स या कोई भी अनसर्टेनिटी है, उनको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। मतलब कल बारिश होने वाली है और मैं प्लानिंग कर लूँ तो बारिश रुकेगी नहीं, लेकिन अगर मैंने अच्छे से वेदर फॉरकास्टिंग की है तो कल जो बारिश होने वाली है उसका जो भी एडवर्स इफेक्ट मेरे ऊपर होने वाला है उसको मैं कम कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने वेदर फॉरकास्टिंग के थ्रू पता कर लिया कि कल जो है मौसम खराब होने वाला, ठीक है, अब मेरा जो भी स्टॉक बाहर ओपन एरिया में पड़ा हुआ है तो कल तक का टाइम मेरे पास है, उसको मैं कहीं शिफ्ट ऐसी जगह पर कर सकता हूँ जो मेरे लिए सेफ हो, ठीक है। तो बारिश को तो मैं नहीं रोक सकता, बट बारिश से होने वाला जो नुकसान है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो मेरे ऊपर उसका पड़ना है, मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी अनसर्टेनिटीज होती है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो किसी भी तरीके की, उसके रिस्क को मैं कम कर सकता हूँ, उस अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो एंटिसिपेशन होता है फ्यूचर हैपनिंग्स का या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं अनसर्टेनिटीज का, उनको साउंड जजमेंट उनका करके, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीट प्लान बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट तो नहीं, कंटिजेंसीज, कंटिजेंसी टू डील सम स्पेसिफिक सिचुएशन, कंटिजेंसी प्लान बनाकर हम उनका जो भी इम्पैक्ट, एडवर्स अफेक्ट जो हमारे ऊपर होने वाला है उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिनिमाइज। हमेशा याद रखना, प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती है, बट उसके होने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनको हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या होता है, देखो हमारी जो प्लानिंग है उसमें मैंने कहा कि हम इन एडवांस डिसाइड कर लेते हैं व्हाट इज टू डू, करना क्या है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड हु इज टू डू इट, कौन उसको करेगा। तो एवरीथिंग इज क्लियर इन द माइंड ऑफ द वर्कफोर्स एंड द एम्प्लॉय। क्लियरिटी इन एक्शन एंड थॉट्स ऑलवेज लीड्स टू अवॉइडिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। द बेस्ट एग्जाम्पल आई ऑलवेज यूज टू गिव टू माई स्टूडेंट इज इन आर स्कूल एवरी टीचर एंड एवरी क्लास इज हैविंग देयर रिस्पेक्टिव टाइम टेबल एंड दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट टाइम टेबल। सबके पास टाइम टेबल अपना अपना है। अगर मान लो किसी के पास भी टाइम टेबल नहीं है, ठीक है, टाइम टेबल नहीं है तो किसी को भी ये नहीं पता होगा कि ये जो पीरियड है कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है, टीचर्स के माइंड में भी क्या रहेगी, कंफ्यूजन, तो वो किसी भी क्लास में पहुंच जाएंगे। और किसी किसी क्लास में ऐसा भी होगा जहां दो या तीन टीचर पहुंच जाएंगे और कोई क्लास खाली भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कुछ फिक्स तो है नहीं, रेंडमली चले जाएंगे कहीं उठकर। तो वहां पर अगर हमारे पास कोई एक कंक्रीट प्लान नहीं है, एडवांस में हमने नहीं सोचा था कि कैसे करना है क्या करना है, अगर वो नहीं हुआ तो हमें क्या रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी। कंफ्यूजन रहेगी तो हमारा क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज हो जाती, ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज, जिनकी जरूरत नहीं थी। एक टाइम पर तीन चार टीचर किसी भी क्लास को नहीं पढ़ा सकते, एक टाइम पर एक ही टीचर एक क्लास को पढ़ा सकता है, एक से ज्यादा अगर टीचर है तो उसको हम ओवरलैपिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। उस चीज को रोकने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करती है, बिकॉज प्लानिंग स्टेट्स इन एडवांस, एडवांस में ही सबको बता देती है। तो वहां पर क्या हो जाता है, क्लैरिटी इन एक्शन होता है। क्लैरिटी इन एक्शन होगा तो सब अपने जो भी उनको एलोकेटेड जॉब्स या टास्क होंगी उन्हीं पर वो फोकस करेंगे, तो वहां पर ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज होंगी ही नहीं। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, तो थोड़ा लिमिटेशंस में भी मैं इसका बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस में लिखा है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज और यहाँ पर लिखा है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, लेकिन इंपॉर्टेंस में लिखा है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, वो कैसे? देखो जो प्लानिंग है वो क्या है बच्चे,
planning is an intellectual activity, which means thinking in advance rather than doing, thinking rather than doing. So while framing the plans या while deciding the future course of actions, हमारे जो manager होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो such creativity और such innovative ideas may take the shape of concrete plans, यानी कि जो उनकी मन में जो भी एक तरीके से कोई न्यू आइडियाज आ रहे थे, ठीक है, वो एक कॉन्क्रीट प्लान की शेप ले सकते हैं, वो आइडियाज ही प्लान बन सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, इनोवेटिव आइडियाज है, प्रमोट्स. जैसे इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं इनोवेटिव आइडियाज का. जैसे फिलहाल लॉकडाउन की सिचुएशन है COVID-19 की वजह से, ठीक है. अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ SMS कर देते हैं होमवर्क, कि ये होमवर्क है आज का कर लीजिए. कुछ स्कूल्स वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहे हैं, और कुछ एक बेवकूफ स्कूल्स भी कहूँगा मैं उनको, ऐसे भी हैं कि जो घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. अब घर घर जाकर जिसके पास 2 या 3 स्टूडेंट होंगे, 10 स्टूडेंट होंगे, वहाँ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जहाँ 3-3 हज़ार स्टूडेंट है वहाँ पर बेटा पॉसिबल नहीं होता. और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें कि भाई COVID-19 का बहुत खतरा है, तो घर घर जाकर तो हो सकता है पढ़ाने की जगह वायरस हम वहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे आए, तो उस चीज़ से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो भी हमें फॉलो करना होगा. तो यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे आए, इनोवेटिव आइडियाज़ ये हैं कि कई सारे स्कूल्स क्या करते हैं, लाइव क्लास के साथ साथ जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया उस दिन, उसकी यूट्यूब पर, स्कूल का जो चैनल होगा उस पर वो यूट्यूब अपलोड कर दिया, या फिर जूम ऐप या गूगल ऐप जो है, गूगल मीटिंग ऐप जो है, उस पर हमने अपने जो लाइव क्लास थी उसका वीडियो साथ के साथ रिकॉर्ड कर लिया, ताकि बच्चे उसको बाद में भी देख सकते हैं. तो ये क्या है, इनोवेटिव आइडियाज है. ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल लें, सपोज करो कि भाई हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जहाँ पर हमारा मेथड स्टडी भी आया था, ठीक है, वर्क स्टडी में आया था ना मेथड स्टडी. मेथड स्टडी में हमने पढ़ा था कि किसी काम को परफॉर्म करने का एक बेस्ट मेथड होता है, और उस बेस्ट मेथड को हम जो है डेवलप कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द प्रोसेसेस, बाय एनालाइजिंग द प्रोसीजर सिस्टम्स और वे ऑफ डूइंग द जॉब. अलग अलग तरीके को हम एनालाइज करेंगे, फिर उनमें से देखेंगे सबसे बेस्ट कौन सा है. तो इनोवेटिव आइडियाज में हमने पढ़ा चेन सिस्टम का. चेन सिस्टम यानी कि एक मूविंग चेन पर हमें काम करना होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े होते हैं, ठीक है, किसी को स्क्रू टाइट करना है कहीं पर, किसी को किसी पर पेंट करना है प्रोडक्ट के ऊपर, किसी को टायर फिक्स करने, किसी को इंजन फिक्स करना है, ठीक है, किसी को सीट्स फिक्स करनी है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होंगे. तो मूविंग चेन पर वो अपने आप प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है. या आपने कभी देखा हो जैसे जो कोल्ड ड्रिंक हमारी होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जहाँ पर फिल की जाती है वहाँ पर क्या होता है कि एक मूविंग चेन होता है, ठीक है, एक स्ट्रिप्स होती हैं जो अपने आप सेल्फ मूविंग होती हैं. तो वहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वहाँ पर बोतल रखी जाती है, नेक्स्ट पॉइंट पर वो बोतल में फिक्स क्वांटिटी में उसके अंदर जो है लिक्विड यानी कि जो भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है वो फिल की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट पर उसके ऊपर कैप रखा जाता है, उससे नेक्स्ट पॉइंट पर उसको उस कैप को टाइट किया जाता है, उससे नेक्स्ट पॉइंट पर उसको पैक कर दिया जाता है. तो बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो सेल्फ मूविंग है. तो ये एक बेटा इनोवेटिव आइडिया है. इनोवेटिव आइडिया कैसे है, क्योंकि इसमें हमारा टाइम एफर्ट और मनी बहुत बच रहा है, एफर्ट बच रहा है सबसे ज़्यादा. क्योंकि अगर कोई वर्कर उस एक प्रोडक्ट को उठाकर बार बार अलग अलग जगह रखेगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा तो अपने आप ही जो सेल्फ मूविंग चेन जो होती है उस पर वो काम कर रहा है, तो उसमें हमारे सेविंग होती है टाइम एफर्ट और मनी की. तो वो एक क्रिएटिव आइडिया है. तो जब भी हम प्लान करेंगे कोई क्रिएटिविटी या कोई इनोवेटिव नया आइडिया हमारे माइंड में आ सकता है. तो प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिविटी, ठीक है. लेकिन बच्चे हमेशा याद रखना कि प्लानिंग इज द टास्क और द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है. मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर नॉट अलाउड टू वर्क बियॉन्ड द प्लान्स या अवे फ्रॉम द प्लान्स,
नॉर दे आर अलाउड टू वर्क ऑन देयर ओन. ना तो उन्हें अपने प्लान से डाइवर्ट होने की जरूरत है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए, और ना ही उन्हें इतनी डिस्क्रिशन दी जाती है कि वो अपनी इच्छा से अपनी क्रिएटिविटी से काम करें. ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मैनेजमेंट जो होती है, वो ग्रुप एक्टिविटी है. अब ग्रुप एक्टिविटी में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी यहाँ पर आ रही है, उनके इनोवेटिव आइडियाज तो चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनकी क्रिएटिविटी का क्या? उनकी क्रिएटिविटी कैसी हो गई? रिड्यूस हो गई, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से काम करने की जो है डिस्क्रिशन या अथॉरिटी नहीं है, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी को तो मैनेजमेंट ने रिड्यूस कर दिया. लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो हाईली एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल होते हैं सच फील्ड, तो उन्हें हम इनवाइट करते हैं टू मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस. तो इसीलिए यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज उनके तो प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनकी क्रिएटिविटी कैसी हो जाती है? अच्छी रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. ये हम फीचर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस या वेरियस ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस आर आइडेंटिफाइड. किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको इवेल्यूएट करते हैं. इवेल्यूएट करने का मतलब ये है कि कौन सा किस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है और किस में सबसे कम, लीस्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट जिसके कम होंगे. तो उन सब की स्टडी करके हम ये देखते हैं कि सबसे अच्छा हमारे लिए कौन सा है, फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. वो सिलेक्शन ही क्या है, डिसीजन मेकिंग है कि विच वन टू फॉलो, विच वन टू अडॉप्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा है, एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. अब बच्चे अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कंट्रोलिंग क्या था, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशंस. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई अगर आपने सपोज करो डिजायर रखा था कि भाई हम 98 मार्क्स अचीव करेंगे एग्जाम में, लेकिन आपके 95 इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस जो थी वो थी 98, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू अगर हम उसको कंपेयर करेंगे या फाइंड आउट करेंगे वही हमारी कंट्रोलिंग है. लेकिन जो 98 मार्क्स थे, जो आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी, वो वॉज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, आपने प्लानिंग की थी. ठीक है, अब प्लानिंग की थी लेकिन वो प्लानिंग किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाई. ठीक है, तो अगर हम ऐसी प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल होता है, मैं लिख देता हूं, कंपैरिजन ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है वो क्या है, कंट्रोलिंग बेटा. ठीक है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग है. अब कंट्रोलिंग जो है वो कंपैरिजन करती है डिजायर्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस से. लेकिन ये डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है बेटा? डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है? प्लानिंग है. जैसे मैंने सपोज करो कि भाई जैसे फिलहाल की सिचुएशन लेते हैं, जो हमारे वर्कर्स कह सकते हैं मजदूर लेबर जो है या श्रमिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है. आपने देखा होगा सड़कों पर. तो सपोज करो किसी एक ऐसे लेबर का या श्रमिक का टारगेट है कि भाई आज मेरे को एक शहर से दूसरे शहर, जिनका डिफरेंस डिस्टेंस हो सकता है सपोज करो 30 किलोमीटर्स की, 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है. 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना इज डिजायर्ड परफॉर्मेंस. लेकिन उसने सिर्फ 25 किलोमीटर्स जो है वो तय किए, वो क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस. तो 30 किलोमीटर क्या था, डिजायर्ड परफॉर्मेंस. 25 किलोमीटर क्या हो गया उसका, एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये
30 और 25 के बीच का जो 5 किलोमीटर का डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना ही कंट्रोलिंग है, वो निकलता है कंपैरिजन करने के बाद कि कितना काम कम हुआ। लेकिन अगर मान लो उस लेबर ने ये जो 30 किलोमीटर का टारगेट है ये सेट ही नहीं किया होता, तो कंपैरिजन किससे होगा? किसी से भी नहीं। हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता, तो हम अपने काम से सेटिस्फाइड हैं या नहीं वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो प्लानिंग ऑलवेज एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है बच्चे? स्टैंडर्ड्स सेट करने होते हैं, टारगेट सेट करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे प्लानिंग के। नाउ कम टुवर्ड्स द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो है लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब फिक्स कर देना किस चीज को, यानी कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि हमने एक बार अगर प्लान कर लिए, प्लान्स बना लिए, तो वी नीड टू फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली। वी कैन नॉट डाइवर्ट फ्रॉम आवर प्लान्स और वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन सच प्लान्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रहा है, अगर हम अपने प्लान्स को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो हमने प्लान कर दिया ना उसी को फॉलो करना होता है डेली बेसिस पर, वी कैन नॉट चेंज द प्लान्स। तो प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू रिजिडिटी, क्योंकि हमें ब्लाइंडली फिर वही फॉलो करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये कोई बहुत इजी टास्क नहीं है, प्लानिंग जो है वो बहुत साउंड और कह सकते हैं कि साउंड जजमेंट और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो हर किसी में नहीं होती और जो डेली बेसिस पर नहीं पॉसिबल है। तो इट लीड्स टू रिजिडिटी बिकॉज वी नीड टू फॉलो द प्लान्स वी हैव ऑलरेडी फ्रेम्ड, जो हम बना चुके हैं उन प्लान्स को हमें फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम रोज रोज प्लान में चेंज करेंगे तो हम कहीं पर पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग, ये भी कहा जाता है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अपने आप से रिलेटेड दे देता हूँ कि भाई बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया, अब वो 9 जुलाई को है। तो जिन बच्चों ने प्लानिंग की थी कि भाई बिजनेस स्टडीज का एग्जाम लास्ट है, उसको देने के बाद एंजॉय करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सबके अलग अलग प्लान्स थे। लेकिन एक ऐसा चेंज हमारे एनवायरनमेंट में आया जिसकी वजह से उनकी सारी प्लानिंग क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो प्लानिंग कभी भी डायनेमिक, डायनेमिक मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो एनवायरनमेंट चेंज होता है उसमें वो काम करती ही नहीं। अब उनकी प्लानिंग क्या काम कर रही है? नहीं कर रही। तो इसीलिए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है। तो जब कभी भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाए तो उस चेंज में हमारी जो प्लानिंग है वो काम नहीं करेगी, बिकॉज हमने जो सोचा था वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोचा था, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी मैंने बता दिया, बिकॉज द प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शन, दे डिसाइड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क बियॉन्ड द टारगेट्स, सॉरी बियॉन्ड द प्लान्स, नॉट दे आर अलाउड टू वर्क ऑन देयर ओन। ना तो वो प्लान्स से हटकर कुछ कर सकते हैं, ना अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो देयर क्रिएटिविटी इज ऑफ नो यूज, उनकी क्रिएटिविटी का कोई यूज नहीं है, उनकी क्रिएटिविटी पर एक अंकुश लगा दिया जाता है। तो इट मींस इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। बिकॉज हमें व्हाइल फ्रेमिंग द प्लान्स फॉर फ्यूचर, बोर्ड मीटिंग्स आर नीड टू बी कंडक्टेड, सम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आर नीड टू बी इन्वाइटेड, ठीक है, एनालिसिस करने पड़ते हैं हमें, गैदरिंग करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन की, फॉरकास्टिंग करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, विच इज़ नॉट अ सिंगल डे ट्रांजेक्शन या विच इज़ नॉट अ वेरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बिकॉज ए हैवी फीस नीड टू बी पेड टू सच एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स हु आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत पैसा हमें इस पर खर्च करना होता है, उसके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसलिए बच्चे क्योंकि इट टेक्स टाइम टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, टू एनालाइज सच इंफॉर्मेशन और डाटा, और टू एंटिसिपेट द चेंजेस विच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर।
और टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट, पूरे बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना इज नॉट वेरी इजी टास्क, इट इज नॉट वेरी कह सकते हैं कि बहुत कम समय में होने वाला काम नहीं है. इट नीड्स या इट रिक्वायर्स ए सफिशिएंट टाइम टू डी सॉरी टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज. कई बार हमें ऐसा भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में सपोज करो एनुअल फंक्शन होना है, सपोज एनुअल फंक्शन होना है, एनुअल फंक्शन की जो डेट है सपोज करो कि 25th of अगस्त लगा लीजिए, ठीक है 25th of अगस्त. अब 25 अगस्त को अगर मान लो एनुअल फंक्शन है, अब स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी चेयरमैन सर को फॉर अप्रूवल, बिकॉज उनके अप्रूवल के बिना तो एनुअल फंक्शन हो ही नहीं सकता. अब सर ने जो अप्रूवल दिया, सपोज करो कि वो अप्रूवल दे दिया 20 अगस्त को, अब 5 दिन में, 5 नहीं 4 ही बचे, क्योंकि 5th डे तो ऑर्गेनाइज ही करना फंक्शन. इन 4 दिनों में इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज ऑल द रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइज सच एनुअल फंक्शन. बहुत मुश्किल हो जाएगा 5 दिनों में ये सब करना, बिकॉज प्लानिंग इतनी जल्दी से नहीं की जा सकती. प्लानिंग क्या होता है बेटा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस जो हैं हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर उनको इवेल्यूएट करना है, फिर उनमें से जो बेस्ट होता है उसको हमें सिलेक्ट करना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है. इट इज़ नॉट वेरी सिंपल टास्क टू मेक द प्लान जस्ट इन फ्यू मिनट्स और आवर्स. ये बेटा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है जो हमें एक सफिशिएंट टाइम लेकर ही हम बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में कोई भी एक्शन कर देंगे या कोई भी प्लान बना देंगे द चांसेस ऑफ फेल्योर इंक्रीजेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. आपने प्लानिंग तो कर ली कि भैया 100% लेके आने इस बार 12th में, लेकिन सिर्फ प्लानिंग करने से ही आपकी सक्सेस जो है वो उसकी कोई श्योरिटी नहीं हो जाती है. तो प्लानिंग का क्या होता है कि जो आपने पहले प्लानिंग की थी मे नॉट वर्क ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो चेंज होते रहते हैं. पिछली बार जो प्लान सक्सेसफुल हुए थे जरूरी नहीं है कि वो आगे भी काम करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है. द प्लान्स विच वर्क वेरी वेल इन पास्ट मे नॉट वर्क इन फ्यूचर, क्योंकि The future happenings and the future situations and circumstances are different from what they were in past. तो इसीलिए planning does not guarantee success. Planning की कोई success की guarantee नहीं होती है, कि planning करने से ही अगर हम सुनिश्चित कर लें कि हमारी सफलता हमारे हाथ में, ऐसा नहीं हो चुके, ठीक है. दूसरा, जो plans हमारे पहले काम कर चुके हैं, जो बहुत बढ़िया results दे चुके हैं, हो सकता है वो आगे future में काम ना करें. तो ये सारे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस थी, ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.